सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पेज खुला हुआ है, जहाँ पे आप लोग सिंपली तरीके से अपना जो है एमएसएमई लोन के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आने वाले डिजिटल मुद्रा लोन को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नहीं समझ में आया, सबसे पहले बता दूँ, जैसे कि मुद्रा लोन आप लोग पीएमएमवाई के थ्रू आगे बढ़ते हो, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको तीन स्कीम्स देखने को मिलती है, किशोर, तरुण और शिशु। हालांकि इसको सीरियल वाइज अगर आप देखो तो ये उल्टा ही असेंडिंग से शुरू होगा। तो यहाँ पे शिशु से लेकर तरुण तक या किशोर तक के जो लोन है वो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो भी सिर्फ देख कर कि हाँ भाई आप एलिजिबल कितने में हो और बाकी सारी चीज़ें किसके लिए, इसके आपको कोई ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं है और आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर सकते हो। एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे डिजिटल मुद्रा लोन का वेब पेज है और जहाँ पे फीचर्स वगैरह तो है वो तो खैर आप वीडियो में देखी जाएगा, पर मेन बात अप्लाई करने का है। तो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो, ये हमें जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पर लेके चला जाता है, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है। यहाँ पे आपके लिए जो ये साइट को जो है एक तरीके से एक्सटर्नल बनाया गया है, जहाँ पे आप सभी तरीके की जो बिजनेस लोन है, सभी तरीके की जो एजुकेशन लोन है, सभी तरीके के जो कह सकते हो इन शॉर्ट वो सभी लोन जिसको आप लोग लेना चाहते हो, उन सभी के थ्रू आप एप्लीकेबल होते हो लोन को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो है सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल जनसमर्थ का पोर्टल ऑन हो रहा है, और जैसे ही पोर्टल यहाँ पे ऑन हो जाएगा तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम करते हैं इंतजार, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमसे लैंग्वेज चूज़ करने की बारी आती है। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको सिंपली टेकआउट करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनसमर्थ के पोर्टल पर है और इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर लैंडर्स कितने हैं, एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस लोन और लाइवलीहुड लोन में आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली हमें क्यों किससे मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन से, तो चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है हमारा जनसमर्थ का पोर्टल ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली चेक करना है इसके बाद लोन हमारा, हम कितने लोन के लिए एलिजिबल है और बाकी लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको आज की वीडियो में इसी बारे में पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग कैसे ले सकते हो डिजिटल मुद्रा लोन। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहें। और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी मुद्रा लोन के ऑलरेडी वीडियोज में मैंने आपको इच्छा समझा रखी है कि यहाँ पे 50,000 रुपये तक शिशु लोन में, इसके बाद आपको तरुण या किशोर में, मे बी नाम याद नहीं ऊपर नीचे हो सकता है कि बेसिकली किशोर में शायद 5 लाख तक का लोन और तरुण में शायद आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ऑनलाइन सेगमेंट में यहाँ पे कितना लोन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इंस्टेंट फीडबैक आप हमें इस वीडियो के बारे में अभी दे सकते हो कि वीडियो कैसी लग रही है। इसके लिए मात्र इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके जो कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से ही डिजिटल मुद्रा लोन, कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएं। शुरू करें वीडियो को और पहले बता दो, वीडियो के अंदर जो स्टेप्स है उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी फॉलो कर पाओगे और जब ध्यान से फॉलो करोगे तो समझ में आएगा कि आपका टाइम टेकन कहाँ पर है, कहाँ पर आपको अपना टाइम देना है। तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे जो टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक। तो वेबसाइट लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, लिंक ऑटोमेटिक आपके रिडायरेक्ट हो जाएगी गूगल के वेब ब्राउजर पे, जहाँ पे थोड़ा सा करना है इंतजार और आप लोगों के सामने loanpav.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब जब ये वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है। वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे मेन्यू बार पे जाओगे, बराबर सारे मेन्यूज वगैरह भी खुल रहे हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जी हाँ, ध्यान से सुन लो, आपका फर्स्ट स्टेप इतने में ही कंप्लीट हो गया। इसका रीजन मैं आपको आगे चल के क्लैरिफाई कर दूंगा। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, जो कि ऑल्टरनेटिव स्टेप है। अब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो उन लोगों को बिल्कुल काम नहीं करना जिनका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपके फोन में जो कोई ब्राउजर, उसको सिंपली ओपन करना है, देन आपको सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहां पे आपको कीवर्ड में एक कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है मैं दिखाना चाहता हूं, कीवर्ड का नाम है loanpav.in। इस कीवर्ड को आप इसको ध्यान से देखो और इस कीवर्ड को जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको भी ध्यान से देखो। इस कीवर्ड को लिखावट में कोई भी गलती नहीं करनी, इसके हर एक वर्ड को ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही आपको लिखना होगा। तो क्या लिखना है, loanpav.in, एग्जैक्टली जैसे एज इट इज कीवर्ड में लिखा गया है। देन यहां पे आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो कि loanpav.in की आपको सिंपली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली जो कैटेगरी है, यहाँ पे जो इमेजेस हैं, इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आइडेंटिफाई करने को भी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि loanpav.in आपने कीवर्ड सही लिखा होगा बट रिजल्ट के बेसिस पे आपको स्पॉन्सर्स एड्स मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। देन आपको सिंपली क्या करना है, इस पर कर देना है टैप। टैप करने के साथ ही आप एंटर कर चुके हो loanpav.in की वेबसाइट में, और इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर आ ही चुके हो। तो यहाँ पे लाने के दो रीजंस है, पहली बात यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट जब आप लोग कर ले तो सेकंड स्टेप आप नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, क्योंकि आप लोग उसी वेबसाइट पे हो जिस वेबसाइट पे अभी आप सेकंड स्टेप में भी हो। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लिंक आप जब बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्शन का भी काफी बार आया था कि उनको टू लॉन्ग रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब वेबसाइट बहुत वेट कराता है खुलने में। इसके बेसिस पे ये होता है कि लोग जो है कहीं ना कहीं वेट नहीं करना चाहते, उनको पता है कि लोन वगैरह का भी काम है, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी सीखो, जल्दी लोन अप्लाई कर लो। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव स्टेप बनाया गया कि अगर बाय चांस कभी अगर आपका टाइम ज्यादा टेकन लग जाता है तो ऐसे में आप सेकंड स्टेप को यूज कर सकते हो, वरना इसका और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब यहां पे सिंपली बात करते हैं, आगे चलते हैं और यहां पे बात करते हैं कि अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल मुद्रा लोन अप्लाई के ऊपर। तो ध्यान से देखो इसमें करना क्या है, मेन्यू पे क्लिक करना है, देन यहां पे आपको जो कितने सारी कैटेगरीज है इसमें से दो, या तो बैंकिंग या तो बैंक लोन, किसी भी जा सकते हो। अब किसी भी जाओगे, मैं तो बैंकिंग पे जा रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या आता है ना कि जैसे जो भी यहां पे लोन्स वगैरह है, मुद्रा लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, सारी
सारे डिवाइडेड हैं, तो मुझे हेल्प हो जाएगी और शायद आपको भी हेल्प हो जाएगी, तो इस चीज़ को लेकर आप ध्यान रहो। इसके बाद आपको एक और काम करना है जो कि अपने फास्ट रिजल्ट्स के लिए करना होगा, तो यहाँ पे मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है, देन जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड को सर्च करना है, या तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर BOB बिजनेस लोन कुछ भी लिख के जो है आप लिख के जो है इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन के अलावा आप चाहो तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मुद्रा लोन तो उसी के अंदर आता है। तो आप या तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस के आगे जो है PMMY कर सकते हो, तो इससे होगा क्या कि मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा, बट इससे रिलेटेड कीवर्ड नहीं मिला तो हम जो है वापस कंटिन्यू करेंगे अपने बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस वाले पे। ये रिजल्ट आने के साथ में ही सिंपली आपको क्या करना है, या तो इस आर्टिकल या तो रीड मोर के ऑप्शन किसी भी क्लिक करना है और आपका आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा। अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई हमें लोन अप्लाई करना है, हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी लेनी है, बराबर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, लेकिन इस आर्टिकल पे आओगे तो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। कारण ये है कि जैसे मुझे पता है, जैसे आपको पता है मुद्रा लोन क्या है, लेकिन सभी लोगों को नहीं पता ना। और वीडियो में भी हम सिर्फ फोकस इस बात पर कर रहे हैं कि लोन अप्लाई कैसे करना है, हम बेसिक बातें पर नहीं कर रहे हैं। आप दूसरी वीडियोज़ देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ 20-20 मिनट तक सिर्फ बताया जाता है कि भाई ये क्या है, कैसे काम करता है, जो मैं इतना एक्सटेंडेबल नहीं चाहता। इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से ही मिल जाएगी, यहां तो मैं सीधा लोन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। साथ ही में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसको आप पढ़ सकते हो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, सिर्फ इंग्लिश हिंदी का कोई बैरियर नहीं है, आप चाहो मराठी तेलुगु सभी किसी भी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे लोग जो ये सोचेंगे ना कि भाई जिन लोगों को जानकारी नहीं है या फिर जिन भी लोगों को मुद्रा लोन में डाउट है बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो वो लोग इनको आना यहां पे, हमें नहीं आना, तो ये आपकी गलतफहमी है। सभी लोगों को इस आर्टिकल पे आना पड़ेगा जिन भी लोगों को ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा लोन अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी जो कि इसी आर्टिकल के अंदर इंटरलिंक है, तो सिंपली अप्लाई नाउ की लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक कर दोगे आपको करना है थोड़ा सा इंतजार और आप लोगों के सामने जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पेज खुल के आएगा। जैसे कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे वेट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है बिजनेस लोन का ऑफिशियल वेब पेज आ जाएगा, जो कि इंट्रो में भी आप लोगों ने देखा ही था। तो फटाफट क्या करना है, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लो कि क्या क्या चीज़ है। देखो डिजिटल मुद्रा लोन बताया जाता है कि यहाँ पे आप लोग जो है अपने मोबाइल के थ्रू जो है लोन को अप्लाई कर सकते हो और 10 लाख रुपये तक का जो है असिस्टेंस लोन यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है लेटेस्ट के हिसाब से काम करेगा और मेन बात है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए। तो बोला गया आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, साथ ही में आपका जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी नंबर के साथ में, साथ ही में लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए जो कि किसी भी बैंक की वेबसाइट या फिर आपको जो IFSC कोड वगैरह डिटेल्स देकर ले सकते हो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको KYC वगैरह देना पड़ेगा, इसके लिए आपको उद्योग का आधार कार्ड वगैरह ये सब चाहिए होगा। एग्जिस्टिंग लोन डिटेल अगर हमने लिया है तो वो सब चीज़ को बता के आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि अप्लाई नाउ लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे जड़ समझ के पोर्टल पे, जो हम पहले भी पहुंच रखे हैं, ठीक है। तो यहां पहुंचने के साथ ही सिंपली पहले लैंग्वेज को चूज़ करना है, यहां पे लैंग्वेज चूज करना है। मैं पहले इसको डेस्कटॉप मोड से हटा देता हूं, क्योंकि ये चीज़ जो है वे लोगों के जो है कह सकते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी समझ में आएगा और स्क्रीन भी वाइडर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम किस लोन को लेना चाहते हैं। तो एजुकेशन लोन चाहिए अभी, एग्रीकल्चर लोन चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी लोन चाहिए, हाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन चाहिए। तो इस पर क्लिक करना है और चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कोई भी बिजनेस लोन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके इन 3 कैटेगरी से ऊपर है ना, अगर इसमें बिजनेस कोई है तो उसको चूज़ कर सकते हो। तो मैं फिलहाल अदर बिजनेस लोन पर जाऊँगा, यहाँ पे बताएगा कि मेरे पास जो है बिजनेस एक्टिविटी जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरा लोन बिजनेस नया है या पुराना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है नया है, बहुत सारे लोगों के लिए पुराना है, तो न्यू पे मैं फिलहाल कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। पूछेगा कि आप 8वीं पास हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे भाई बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम इनकी इतनी क्वालिफिकेशन तो होगी कि मेरिट पास हो, तो मैं मान लेता हूँ कि लोग 8वीं पास होंगे। इसके अलावा अंडरगॉन EDP ट्रेनिंग, आपने बताया कि आपने EDP ट्रेनिंग ली है, इसको बताते हैं कि ये डेटा प्रोग्रामिंग तरीके का होता है, तो अगर आपने लिया तो ठीक है, यस करना है। और इसका बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस जो अभी आप बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपका बिजनेस का नेचर क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कोई चीज़ बनाता है, ट्रेडर है, या बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हो सकते हैं, ये मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, आप इसको एग्जैक्ट टिक मत करना, जो आपका बिजनेस है वही टिक करना, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है आपका जेंडर क्या है, तो मेल जनरल कैटेगरी में ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इसके अलावा आप पहले सर्विसमैन रह चुके या फिजिकली हैंडीकैप्ड रह चुके हो, तो मुझे लगता है ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो नो कर देना है। और यहाँ पे बताना है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के कहीं भी, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के कहीं भी, ऐसे उत्तराखंड, स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, इन सब में रहते हो, तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। इसके बाद आपको बताना है कि आप कौन से एरिया से आते हो, रूरल यानी ग्रामीण, अर्बन यानी थोड़ी सी जो है रूरल से उठ करके, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रामीण हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताना है कि जो भी बंदा ये लोन का अप्लाई कर रहा है वो खुद से कर रहा है या नॉन इंडिविजुअल है, तो बताने के बाद आपको बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट बताना है कि आपके बिजनेस में ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है उसका। तो मैं जैसे कि सपोज कर लेता हूँ कि 5 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है किसी का भी, या अपने हिसाब से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए।
ये चीज़ के बाद अब यहाँ पे बताना है कि अब आप कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो वैसे बेसिकली आपको पता है 10 लाख रुपये का आप अप्लाई कर सकते हो, बट मैं एग्जांपल के लिए फिलहाल 50,000 लेके चल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में यहाँ पे किस तरीके से होता है। यहाँ पे बताया गया कि मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो मुद्रा लोन से जो है 10 लाख तक ही है। अगर आप इससे जो है 1 करोड़ या PMEGP तक आते हो तो यहाँ पे सिंपली ये चीज़ जो है फ्लक्टुएट होती रहती है। देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट में भी बात आ रही है कि मुझे जो है इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपये तक, तो मुझे लोन अमाउंट की जो जरूरत है वो 4,50,000 रुपये की हो चुकी है। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा जहाँ मुझे बता देगा स्कीम ने मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद मेरी मंथली ईएमआई बनेगी हर महीने 9,560, यानी ओवरऑल 10,000 रुपये की हो जाएगी। और जो लोन मुझे ये देना है वापस वो करना है 5 साल के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा स्कीम अलग है, एक PMEGP में भी देखने को मिलेगा जिसमें 15 साल रुपये तक का 15 साल तक लोन मिलेगा 4.5 लाख का। और यहाँ पर सब्सिडी अमाउंट मुझे 1,25,000 की मिल जाएगा, और जो मंथली ईएमआई वो मुझे 4,500 रुपये यानी तकरीबन 5,000 रुपये तक का देने पड़ जाएगा। तो यहाँ डिपेंड करता है कि मैं दोनों में से किस तरह जाना चाहता हूँ। तो वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ ये बात कि लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ ही बढ़ेंगे। तो लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे जिनका आपका कोई मतलब पहले से अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टिक करना है और 3 ही डिटेल्स भरनी होगी, पर्सनल डिटेल, बिजनेस डिटेल के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है जो मैंने बता दिया था, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका जो बिजनेस का वो है, GST नंबर जो कि लिंक्ड है, और बाकी जो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन जो आपके जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी है वो सब, बाकी पर्सनल KYC डॉक्यूमेंट के बाद आपको सिंपली अपना लोन अमाउंट वगैरह डिटेल सिग्नेचर करके जो है अप्लाई कर देना है। तो ये प्रोसेस है जिससे डिजिटल मुद्रा लोन आप इजीली ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो सुनने में आ भी गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में जरूर पूछे। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लो। बाय।